तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुके अपने कौन नई वीडियो के साथ वापस, और हम लोग बाइक कर रहे हैं बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से रेंज पुश। तो देखो हम लोग यहाँ पे टेंपल पे कूदे भाई। शुरू दिन में तो टेंपल बहुत बुरा लग रहा था, अभी भी बहुत बुरा ही है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यार, ये पता नहीं क्या चालू हो गई ऊपर, पता नहीं मेरे को, पता नहीं आप लोग को पता, कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो तुम्हारे भाई के हाथ में शुरू में गन लगे थे, मैंने कहा कोई नहीं अपन बजाते। अब देखो सामने तरह एक बंदा दिखता है, मैं जैसे उसको मारने की ट्राई करता हूँ, बंदा कवर में चला जाता है। ऊपर से फिर यहाँ पे एकदम खतरनाक तरीके से लूट वूट मिलने लग जाते हैं। देखता हूँ भाई साहब ये क्या सीन है यार, ऊपर वाले इतना मेहरबान है क्या मेरे पर। फटाफट से यहाँ पे लूट वूट करता हूँ, क्योंकि भाई लूट वूट तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर लूट ही नहीं रहेगा तो बंदे को कैसे मारेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट वूट करने के बाद मैं देखता हूँ सामने तरह एक बंदा है, उसको नॉक करता तो ये निकलते बंदे। अब इस बंदे को मारने के लिए तुम्हारे भाई ने इतना निर्मोली किया ना, जिसका किसी का काम भी नहीं हुआ, और बंदे ने सामने से उठा भी दिया उस बंदे को, मतलब बंदी को। अब लड़कियों के लिए तो भाई मसला कोई भी कहीं से भी रिस्क ले लेता है यार, लेकिन लड़कों के लिए कौन रिस्क लेता है। अब मैं अपने टीममेट को बुला लूँ, वही नहीं आएगा। अब उस लड़की को बचाने के लिए उस बंदे ने इतना स्मोक किया ना, क्या बता सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं जितने मोली वोली थे जो भी थे, मैंने सबको ट्राई किया मारने का, लेकिन लड़की भी थी यार, मरने का नाम ही नहीं ले रही। उसके बाद यहाँ पे मैं जंपिंग जपाक यूज़ करता हूँ, सीधा ऊपर की तरफ भागता हूँ। भागो इसकी भैंस की टाइट, ऊपर तरफ अपने मोली वोली पड़ी तो थोड़ा और मोली वोली भरेंगे। अब यहाँ पे मैं मोली वोली उठाता हूँ, देखो सामने तरह एक बंदा मेरे को दिखता है, इसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ। ये साला बंदा कवर में चला गया, बस मेरा उसी के एमो खाली करवा दो तुम, बस ये करवा लो तुमसे। अब यहाँ पे मैं सामने तरफ एक और बंदा दिखता है जो माइक खोले से जाता रहता है। मैं देखूँ सबसे पहले इसके यहाँ पे मोली डाल देते हैं, बाद में खोले वाले बंदे को मारेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मोली डालता हूँ, क्योंकि भाई वो लड़की को तो मार के रहना भाई, नोक किया मैंने इतना मुश्किल से। तभी एक बंदा मेरे मुँह के पास से इतने खतरनाक तरीके से निकल जाता है, तुम्हारा भाई ने यहाँ पे हक भी दिया भाई इस पर। देखो ये निकला, एक बुलेट भी पड़ जाती नहीं तो मरतम नोक हो जाती। उसके बाद यहाँ पे मैं बोलता हूँ चलो भाई अब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब यहाँ पे घुस उसके मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे डैमेज खा के गए थे, मैं देखा यहाँ पे मोली डाल दूँगा, क्योंकि यार इधर ही रुक सकते हैं, लेकिन ये बंदा इधर होता ही नहीं है। अब यहाँ पे मोली डालने से कुछ मेरे को फायदा नहीं हुआ, मैं बोलता चलो भाई अब कोई दिक्कत की बात है, मैं सामने तरफ घुसते हैं। यहाँ पे घुसता मैं देखते हैं यार बंदे कहाँ पर है, लेकिन मेरे को समय से फायर थोड़ी लेना बंदों को, फायर तो मेरे टीममेट से लेना। मेरे टीममेट को नॉक करता, फटाफट से फिनिश करता। सर यहाँ पे जीरो के लिए बैठे हैं यार, कोई बंदा आ जाए यार मेरे को मार ही दो भाई, मेरे को खेलना नहीं है, मेरे को मार ही दो। अब इस साइड में आता हूँ, यहाँ पे एक और बंदा रहता है जिसको भी मैं आई मेरे टीममेट मारने वाला है बहुत खतरनाक तरीके से। मतलब मेरे को तो डैमेज कर रहा भाई, लेकिन मेरी बुलेट तेरे को डैमेज नहीं कर पा रही, बताओ। मेरे टीममेट से भाई ये भी बंदा नोक हो चुका है, भाई साहब ये क्या दिक्कत है यार, साला बार बार मेरे टीममेटों के हाथ से मारे जा रहे हो, मेरे हाथ से ही मर जा रहा, हमारे हाथ में कौन से कांटे लग रहे हैं। अब इसको मारेंगे बस, फटाफट से यहाँ पे रिलोड लोड करता हूँ, तो भाई साहब एक किल तो दो किल तो लेके जाऊँगा यहाँ से। अब यहाँ पे इस साइड में आता हूँ मैं, अब मैं देखता हूँ तो भाई साहब ये सब मेरे पास है क्या था। मैं देखता हूँ यार लोहा लक्कड़ से ये स्पाइडर बंदा, अब देखो झूम अंतर गया जू गलंतर, यहाँ पे तुम्हारे भाई ने स्पाइडर बना दिया तुरंत। मतलब भाई साहब ये तो बात एकदम मजे वाली होगी यार, एक सेकंड में स्पाइडर मैन। अब मैं ऊपर के साइड में आता हूँ, यहाँ पे दिखता है भाई साहब ये चुंबक सा पता नहीं क्या रहता है यार। इसको मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करते हमको ये देता है बहुत सारा लूट। अब लूट देखो कितना सारा लूट देता है यहाँ पे, अब लूट के साथ साथ एक किल भी देता है देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लूट वूट करता था, मेरे को दिखता है एक सामने तरह से बंदा जो आके घास में लेट जाता है, देखो उसको बजाते हैं। साले मेरे टीममेट के अगर एक बुलेट लग जाते हैं तो भाई आज इतनी गालियाँ खाने वाला था मेरे टीममेट के हाथ से ज़्यादा, क्योंकि भाई बहुत लेट फायरिंग किया था, और भाई साहब किल भी चाहिए तुम्हारे को, मतलब इतना मैंने डैमेज दिया उसको। फटाफट से यहाँ पे ग्रोजर व्रोजर लेते हैं, और यहाँ पे मैं अपने टीममेट खोलता हूँ, भाई अब चलो अब बजाएंगे बंदे लोग का, बहुत देर हो गई यार। अब साला शुरू में साला एक ही किल निकला, अब एक किल लेने के बाद मैं इस साइड में आता हूँ, तब यहाँ पे एक बोट भाई साहब मिलता है जो बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे कैम कर रहा था। देखो उसको मारते हैं, ये कर रहता हूँ भाई साहब मैं किल चोरी, इसको कह सकते हैं किल चोरी भाई, ये तो है किल चोरी है बिल्कुल एकदम 100% किल चोरी है। अब यहाँ पे मैं किल चोरी करने वाला बोलता हूँ चलो भाई साहब कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों टीममेट है यार, तू मारे मैं मारे बात तो बराबर ही है ना यार, है ना, बस केडी दोनों का अलग अलग। तो यहाँ पे फटाफट से बग्गी लेके आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और देखो यहाँ पे होने वाले दो बंदों से बहुत खतरनाक वाली फाइट। अभी देखो हमारे सामने से बग्गी जा रही थी बहुत तेजी में, तब उनका बहुत देर तक पीछा करते, तब यहाँ पे पता चलता है यार वो बग्गी लोग वाले यहाँ पर आके यहाँ पे कैंपिंग के तरीके से बिछाने की ट्राई कर रहे हैं, कैंपिंग के तरीके से बिछाने की ट्राई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे टीममेट को नीचे कूदाता है, और दूसरा वाला बंदा तो कूदता, मतलब कूदता नहीं, लेकिन वो जैसे कूदता है वो मेरे ग्रोजा के चपेट में आ जाता और ख़त्म हो जाता है। भाई साहब इन बंदों के साथ तो बहुत गंदा सीन हो गया, ठीक है। इनकी पेटी वेटी लूट के हम लोग सीधा आते हैं अपार्टमेंट में। अब अपार्टमेंट में आने के बाद यहाँ पे तुम्हारे भाई को मिलता है यहाँ पे पेंट, तो चलो भाई तुम्हारे लिए भी एक स्पाइडर मंगा दिया जाए। यहाँ पेंट डालता हूँ, और यहाँ पे एक डायरेक्ट नेट, और ये छूमंतर जादू कलंदर, यहाँ पे बन गया भाई अपना स्पाइडर। अब एक स्पाइडर अपने टीममेट को दे दूँगा, क्योंकि मेरे टीममेट भी यार मेरा साथ ही रहता है, तो उसको भी स्पाइडर देना तो बनता है ना बिड़ू। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने टीममेट को यहाँ पे एक स्पाइडर देता हूँ, लो भाई तू भी क्या याद रखेगी कि पापा ने, मतलब दोस्त ने क्या ही दिया था। तो फटाफट से यहाँ पे स्पेडर स्पेड देने के बाद हम लोग इधर से जाते रहते हैं, मतलब कोई नहीं भाई अपने आराम से निकलेंगे, आराम से सर्वाइवल लेंगे, और आराम से चिकन टेनर लेंगे। लेकिन भाई चिकन टेनर कहाँ से मिलने वाला, बोट वाले बंदे भी यार यहाँ पे एकदम इस गन से जो मारा हो ना, यहाँ पे देखो इसने बंदे ने मार दिया था एक AMR। मैंने देखा यार पता कौन सी गन पड़ी यार, पता नहीं पड़ा था, यहाँ पे दूसरी पड़ी और यहाँ पे हो गया खत्म। मैंने कहा भाई साहब ये क्या मार दिया यार, तभी जाके पता चलता यार ये बोट जैसे बंदे ने भाई साहब AMR मारा मेरे को, पहले पल्स दिख रहे थे कितना, असल 15 पल्स करवाया। अब देखो इस बोट जैसे बंदे ने AMR हमारे को मार दिया, और इस बंदे को M4 मार रहा, भाई इसको भी AMR मारना, हराम खोर हमारी बज्जी में ऐसे ही करते यार। ये मेरे को खेलना नहीं, मैं दूसरा मैच लगाता हूँ फटाफट से, मैं ये वाला मैच मेरे को खेलने का नहीं, ठीक है।
अभी मैं दूसरा मैच लगाता हूँ, दूसरा मैच भी एकदम सही जा रहा था, ठीक है, चिकन डिनर के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन यहाँ पे इस मैच अभी एक आ गया था हैकर। चलो ये हैकर लोग यार मरते क्यों नहीं बताओ। यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत लूट लूट करके आता हूँ, क्योंकि मेरे को लूट करने थे दूसरी पेटी में, यहाँ पे बोर्ड भाई साहब थे। अब इसमें सोचा कि इसके हेड ही नहीं मारूंगा, हेलमेट बचाऊंगा, लेकिन लास्ट वाली बुलेट साला हेड ही पड़ जाती है। क्या करूँ यार, हैकर हूँ ना मैं। तो उसके बाद फटाफट से यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट उट करता हूँ, इसकी पिल्टी में से एके में लेता हूँ। और एके में लेने के बाद मतलब चलो भाई अब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब मेरे को चाहिए किल विल, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को ना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा उस आ रहा है। अब मैं बंदे बंदों को एकदम बहुत गलत तरीके से मार दूंगा भाई, हैकर वैकर बोलने के। तो लोग यहाँ पे आते भाई रिकॉल लेने के लिए टेम्पल पर, यहाँ पे आते ही हमारे को रिकॉल मिल जाता है, यहाँ पे होती है बग्गी खड़ी हुई। यहाँ पे मेरे टीम को बोलता भाई सब गाड़ी इधर ही रोक दे, लेकिन मेरे टीम यार बहुत ज़्यादा आगे ले जाता गाड़ी को। मतलब भाई साहब रुक जा यार, मुन्ने क्या कर रहा है यार, तो पहले रोक देता, वहाँ पे बंदा था पहले उधर ही निपटा देता ना। लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे लेट रोकता, और ये दो बंदे जो ऐसे कैम कर रहे थे ना भाई, हद से ज़्यादा कैम कर रहे थे, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने पूरा नेट बोली सब कुछ करेंगे ट्राई करते, लेकिन यार ये लोग मरने की ट्राई नहीं किया, मतलब कि मरने का कौन ट्राई करता है। मतलब सब कुछ मैंने ट्राई किया, लेकिन ये लोग बंदे मरने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ पे देखो तुम्हारे भाई के पास एक नेट रहता है, अभी देखो ये नेट एकदम क्लोज में फेंकता है उसको सीधा बंदे के एकदम सीधा मुँह पे, लेकिन बंदा को फूटा नहीं। मतलब भाई ये सब क्या सीन है भाई, इतना पास में नेड़ गया भाई बंदे को, एक बुलेट पड़ गया तो बंदा नोक हो जाए, मतलब एक नेड़ पड़ गया था तो बंदा नोक कैसे नहीं हो रहा है यार। मेरा टीममेट भी एक नेड़ फेंकता है, मतलब उससे भी कुछ भी नहीं होता। मतलब भाई साहब ये क्या सब चल रहा है। मेरा टीममेट बोलता मैं स्टन कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर को जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एमो नहीं थी। मतलब भाई रुकना चल रहा था, मेरे पास एमो एमो नहीं है, जब तक मेरा टीममेट उनको घुस जाता है। आप देखो एक को मेरे टीममेट ने नॉक किया, लेकिन भाई मेरे गन में एमो थी नहीं, उसी खाली हो चुकी थी, और मेरे टीममेट को फिनिश भी कर देता है। अब फटाफट से इनको भी फिनिश करता हूँ। फिनिश करने से पहले भाई एक बंदे लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जो मेरे साथ होने वाला है गलत सीन। अब यहाँ पे देखो एक बंदे लोग, दो बंदे लोग आ जाते हैं, ये बंदे लोग मेरे को हैकर थे। यहाँ पे तो मेरे को ऐसा लगा नहीं हैकर, लेकिन भाई दूसरी जगह पे मेरे को पूरा कन्फर्म हो गया था कि बंदे लोग हैकर है, ठीक है, क्योंकि इनके किल देखना और तुम्हारे इनकी केटियाँ देखना। तो ये बंदा मेरे को मतलब नेट मोडी करता, मैं बाहर की साइड में आता हूँ और ये उसी चिपका देता। मतलब भाई सब ये सब मतलब लग गई होगी यार उसी यार, ये मैसेज लग गया था। अब ये बंदा बाद में मेरे को फिनिश भी कर देता तुरंत ही। फिनिश करने के बाद बोलता चलो कोई बात नहीं यार, पहली बार में तो हो जाता है। अब इस बंदे ने मेरे को मार दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे मैं रिकॉल होता हूँ, रिकॉल होने के बाद आप लोग जाते सीधा बोलते चलो भाई अपन शेल्टर के पास जाएंगे, क्योंकि अपना शेल्टर ही बहुत बढ़िया जगह होता है। अब यहाँ पे उतरता हूँ और यहाँ पे फटाफट से करेंगे लूट 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 करने के बाद देखो यहाँ पे एक टीम को ऐसे मारने वाले हैं जो हमारे को रिवेंज का चैलेंज देते, लेकिन साले हरामखोर ने एक गंदा काम करके चले गए यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भाई रुके रहते, तभी यार बंदे लोग को हम लोग बोर्ड फायर करके अंदर की तरफ बुलाते हैं। अरे फायर भी कर दे, फायर करके अंदर की तरफ बुलाता हूँ। यहाँ पे दो बंदे आते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे मैं नेट को करता हूँ कि भाई फोड़ूंगा, लेकिन ये बंदे लोग सीधा अंदर की तरफ घुसे चले आते हैं। अब घुसे चले आते तब देखो उनको कैसे बजाते। यहाँ पे मैं नेट को करता हूँ कि भाई नेट से फोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, ये लोग बंदे तो गन से मरेंगे। अब यहाँ पे एक को मैंने नोक किया, दूसरे को मेरा टीममेट नोक किया, इसको मैं फिनिश करता था, तब ये बंदा कुछ ऑल पे बोलता है जिसकी बातें आपको सुनाना पड़ेगा, ठीक है, मैं तो सुनना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। अब इस बंदे ने बोला कि हिम्मत है तो यहीं पे रुकना आता है। मैंने चल कोई नहीं भाई आप आ जाओ। अब यहाँ पे मैं वापस के बाहर की तरफ जाता हूँ, तो ये पता चलता है यार बंदे लोग आए थे, लेकिन हमारी गाड़ी का टायर वायर फोड़ के चले गए। लेकिन भाई इनको पता नहीं कि हमारे पास साइकिल, आप बोलोगे एक ही साइकिल नहीं भाई, हमारे पास दो दो साइकिल थी। एक मेरे टीममेट को देता हूँ, एक और लेकर आता हूँ मैं। उसके बाद हम लोग जोन में जाता हूँ, मेरे टीममेट को देख जाती है बग्गी लेकर मेरे टीममेट मेरे पास आता, क्योंकि यार देखो साइकिल से भाई इतनी स्पीड नहीं थी, मतलब जोन तो काट ही रहा था बहुत खतरनाक तरीके से। यार मैं बग्गी में बैठता हूँ, बग्गी बैठने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे जोन के अंदर। अब देखो जोन के एकदम इजीली था, एकदम आराम से जोन ले लिए थे, लेकिन जो हैकर लोगों ने मारा ना भाई वो बहुत गलत सीन था, ठीक है। हमारा ही चिकन डिनर था या दूसरे वाले बंदों का था, लेकिन इन बंदों का तो चिकन डिनर इम्पॉसिबल था, समझ रहे हो, लेकिन हैकर लोगों से कैसे चिकन डिनर छीन सकते हो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ भाई गाड़ी पीछे की तरफ करता हूँ, क्योंकि सामने तरफ बंदे बंदे रहते बहुत सारे। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पत्थर दिख रहा है ना भाई, यहीं पे आने वाले वो हैकर लोग बंदे, जो यहाँ पे पहले से जो दो बंदे हैं इस पर मैंने मार किया उन दो बंदों को, वो लोग दोनों बंदों एकदम खत्म करने वाले, आते ही खत्म कर देते हैं। अब देखो पीछे की तरफ गाड़ी वाड़ी आती है तो मारने की ट्राई करता हूँ। ये बंदे लोग रहते जो हमारे से रिवेंज का चैलेंज लेते हैं, और यही बंदे लोग लास्ट में मरने वाले, इनको मिलने वाला हैशटैग 2, हमारे को मिलने वाले हैशटैग 3। अब ये लोग बंदे लोग वो लोग आया और ये जो पहले से बंदे थे उनको निपटा दिए थे, वही ये बंदे तो वो हैकर लोग, कोई नहीं भाई इसको निपटा दिया जाए। अब मैं इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई नोक नहीं कर पाता, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद हम लोग कवर में आते हैं, देखो पीछे की तरफ भी बंदे आ जाते हैं, इनको भी मारने की ट्राई करेंगे, क्योंकि भाई हैकर लोग से मरने से बेहतर है। उस टाइम हमारे को पता नहीं था कि भाई हैकर है, क्योंकि भाई किल फीड पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हम लोग, क्योंकि यार बीजीएमआई में ध्यान देता हूँ यार, इसमें तो मैं पबजी में कुछ भी किलफिट ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि यार चाइनीज नाम होते हैं भाई किसी को किसी को भी। अबे क्या मुँह पे घुस रहा है यार, गेट भी बंद करने नहीं दे रहा, यहाँ पे मुँह पे घुस के चला रहा है गोली। अब यहाँ पे मेरा टीममेट एक को नॉक कर रहे थे, उसके चक्कर में मतलब फिनिश करने के चक्कर में भाई पूरी एमओ खाली कर देगा, लेकिन बंदा फिनिश भी नहीं होगा।
उसके बाद थोड़ी देर तक मैं यहाँ पे पिक करता हूँ, देखा यार पिक करेगा। तभी एक बंदा थोड़ी देर के बाद, बहुत दिनों बाद लड़की पे, मतलब बहुत दिन के बाद बंदा पिक करता, देखो सोचे टन टन आते हैं यार, गाड़ी का टायर फोटो इसकी भैंस की, टाटा मारूँ टायर तो नहीं फूटे साले का, खोपड़ा जरूर फूट गया। खोपड़ा फोड़ने के बाद वो बंदा मुझे बताता है यार वहाँ पर रिवाइव हो जाएगा। रिवाइव होने के बाद वो बंदे लोग आपस में हील वील करते हैं, तभी एक बंदे को मतलब सामने वाले बंदे जो हैकर बंदे रहते वो लोग उसको करते हैं नोक। अब नोक करते में तुम्हारा भाई फटाफट से इसको करेगा फिनिश। अब इसको फिनिश करते भाई इसका दूसरा वाला बंदा पूरा लेफ्ट से आता रहता है एकदम फ्लैंक करके। अब उसको पता नहीं था भाई किसी ने नहीं देखा, वो आके एकदम घास में लेट जाता है। अब जैसे घास में लेटता देखो उसके साथ कैसे सीन था, भाई साहब क्या लग रहा है किसी ने नहीं देखा क्या। अब इसको भी फटाफट से निपटाता हूँ। यहाँ पे बचे रहते 10 बंदे, 10 बंदों में से भाई साहब ये बंदे लोग कुत्ते बना बना के मारते थे, क्योंकि भाई इनका एक किल फिट आ रहा था। ये बंदे लोग खूब मारते हैं सबको, कर देते खत्म। खत्म करने के बाद यहाँ पे बचे रहते 6 बंदे के, मतलब हम डुओ और ये हैकर डुओ और एक दो बंदे जो पहले थे जो रिवेंज वाले बंदे, वो दोनों बंदे थे डुओ। तो मैं अपने टीममेट को बताया जल्दी से गाड़ी में बैठा, इधर से निकलते हैं। लेकिन मेरे टीममेट को मैं पहले ही बोलता हूँ भाई लॉन्चर से जा सकते हो चल जाओ, लेकिन मेरे टीममेट बोलता है नहीं अपन गाड़ी से चलेंगे। अब देखो गाड़ी से जाते ये बंदे लोग मेरे टीममेट को खींच दिया, भाई मेरे को भी खींच दिया। अब आप लोग बोलोगे यार हैकर कैसे, तो आप देखो मैं इनका किल दिखाता हूँ यार, इन दोनों बंदों ने भाई इतना मारा ना इस बीच में। अब इनको फटाफट से स्पेक्टेड कर लिया जाए, क्योंकि स्पेक्टेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फलान चलान टीम का। यहाँ पे 31+ हुआ। देखो आप बोलोगे यार 5-5 किले कहाँ हैकर, 5-5 किले आपकी गलत फहमी है। आप देखो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं किल को, ये देखो इस बंदे के 17 किले। अब उस बंदे का भी किल दिखाता हूँ भाई, इस बंदे के 13 किले। अभी भी एक बंदे पे गाड़ी चढ़ा दी इस बंदे ने, मतलब 14 किले हो जाएंगे। अभी ये बंदा यहाँ पे नॉक हो चुका है। अब इसका दूसरा वाला बंदा था ये भी तो हैकर था यार, तो ये फटाफट से बग्गी के पीछे तो बंदा कुछ कर भी नहीं सकता था। ये चढ़ते हैं और इसको इस बंदे को अरे मार भी दे यार, जल्दी मार इसको ख़त्म कर गेम। चढ़ते और इसको निपटाते और इस बंदे को हो जाता है 18 किलो खा हो जाते 14 किलो और यहाँ पे 31+ हो गए थे। तो चलो भाई अपने को क्या दिक्कत है यार, हैकर लोगों को रिपोर्ट कर देते हैं अपन। तो अपन आप बताना आपको कैसा लगे गेम प्ले, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के अपना ध्यान रखो, लव यू, टेक केयर, सुप्रीम गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, कहाँ जा रहा, चैनल को सब्सक्राइब करके जा।